अभी सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट बहुत वायरल हुआ, जहां पर 3 खादी मास्क के लिए 999 रुपये चार्ज किए जा रहे थे, और जो एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर था उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोटो मेक इन इंडिया के लोगों के साथ लगा हुआ था। ये जो पोस्टर है, इसे देखकर लोगों को लगा कि ये जो मास्क है ये खादी इंडिया बेच रही है, और लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज करने लगे, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पेंडेमिक के दौरान लोगों को इतने महंगे दामों में मास्क को बेच रही है, और साथ में उन्होंने महात्मा गांधी के फोटो को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फोटो से रिप्लेस कर दिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज भरत नायक फ्रॉम द लॉजिकल इंडियन फैक्ट चेकिंग टीम, और आज हम पड़ताल करेंगे कि क्या ये मास्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेच रही है या नहीं। एक्चुअली में ये जो प्रचार है चंडीगढ़ के एक निवासी के द्वारा पुट किया गया था, और वो अपने फेस मास्क को खादी के तौर पर ब्रांड करके और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोटो पैकेज पर यूज़ करके बेच रही थी। इसके लिए उसने कोई भी परमिशन नहीं लिया था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने ट्विटर में ट्वीट करके बताया कि उन्होंने एक कंप्लेन रजिस्टर की है जो व्यक्ति ये काम कर रहा था उसके खिलाफ, और उन्होंने ये भी कहा है चाहे कोई इंडिविजुअल हो या प्राइवेट फर्म हो, अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोटो या खादी का नाम गलत तरीके से यूज़ करता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यों से खादी का नाम बदनाम होता है, और साथ में जो ऑनलाइन कस्टमर जेन्युइन खादी का सामान खरीदना चाहते हैं वो मिसलीड होते हैं। खादी इंडिया ने ट्विटर में भी इस बात को क्लेरिफाई किया है मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो इतने महंगे दाम पे मास्क बेचा जा रहा है वो ये नहीं बेच रहे हैं, और उनके वेबसाइट में 30 रुपये में मास्क खरीदा जा सकता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक लीगल टीम सेटअप की है उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो खादी का नाम यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो हम इन कंक्लूजन कह सकते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं पुट किया गया था, और जो सोशल मीडिया में क्लेम किए जा रहे हैं वो फॉल्स है। अगर आपको इस तरह का कोई भी मैसेज मिलता है तो आप द लॉजिकल इंडियन के व्हाट्सएप फैक्ट चेक नंबर 6364000343 में भेज सकते हैं। धन्यवाद।